खाते हैं वैसे, किसी के साथ खाओ ना तो भाई वही बंटवारे में रह जाते हैं, खाने को ही नहीं मिलता। हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई बहुत टाइम हो गया घर में बैठे बैठे, आज हम निकल रहे हैं अपना गौरव भाई के पास। पिछला वाला वीडियो देखा होगा वो भाई गौरव भाई, उनको तो जानते ही होगे आप लोग, वैसे उन्हीं के पास जा रहे हैं हम। अब निकलता हूँ मैं तैयार होके, उसके बाद आपसे मिलता हूँ रास्ते में। इन सब व्यू दिखाऊँ, ये देखो ये वाला मत देखना, उधर वाला पीछे दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, उधर वाली बालकनी में लेके चलता हूँ। इसको कर दे रहे हैं बंद, तो भाई भी मैं बाल भी लंबे कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। और ये पीछे देखो भाई, पूरे खेत ही खेत है, सुबह सुबह उठ के खेत दिखा देता हूँ, उधर बिल्डिंग है पूरी, एकदम खुला एरिया है। बताना भाई कैसा लगा, मुझे मजा आ गई। अब एक बार नहा धोके तैयार हो जाए फिर निकलते हैं नाश्ता वास्ता करके अपना भाई के पास, और आज भी देखते हैं क्या प्लान बनता है। बहुत टाइम हो गया बाहर निकले हुए, आज बाहर निकलते हैं घूम फिर आएंगे थोड़ा, और देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। तुमको एक सरप्राइज भी दूंगा रास्ते में आके अब बाहर निकल के जब। ओके सो वी आर रेडी गाइस, तैयार हो गए हैं और अभी हमारा बन रहा है ब्रेकफास्ट। सैंडविच बना रही हो ना, सैंडविच बन रहे हैं हमारे। अच्छा कोई बढ़िया हेल्दी रेसिपी बताऊँ डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। सैंडविच ही हैं, टेस्टी भी होता है हेल्दी भी होता है। उसमें आप डालो ब्रोकली, बेल पेपर्स, कैरेट, कॉर्न, और क्या डलता है, और क्या डलता है इन चार चीज़ों के अलावा, टमाटो और ऑनियन भी डाल सकते हैं। और उसको भाई मतलब हेल्दी भी होता है टेस्टी भी होता है, रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर वगैरह, उसको भी बना सकते हो। अब मेरे सैंडविच बन रहे हैं हमारे, फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है। और इन्होंने आज मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी करी ना, मैंने जो कपड़े बोले थे धोने के लिए उसको धो दिया लेकिन सुखाया नहीं, और अब हंस रही हैं। क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा, ट्रेजेडी करती रहती है मेरे साथ हमेशा ऐसे ही। पिछली बार भी ऐसे कुछ किया था खाने के ऊपर, देख लो भाई अब तुम्हारी भी ऐसी करती है क्या मम्मी। यहाँ बाय, तो यार सब बाल लंबे हो जाते हैं फैल जाते हैं बड़ी जल्दी। कैसा लग रहा हूँ भाई, और ये खड़ी हमारी बिल्लो रानी, ये हमारे राजा। इसको रख दे सामान को इधर, सर वो सामने की जो तीन माले वाली बिल्डिंग है ना उससे फेंक देते हैं। ये तुझे सटक लिया काय, सर इसको तीसरे माले से फेंकेंगे तो सिर्फ हाथ पर टूटेंगे, जान से नहीं जाएगा, इसे कम से कम छठे माले से फेंकते हैं। तो तीन माले से दो बार फेंकते हैं, तीन तीन छह। चलो भाई चले, अब गाड़ी साफ करके गया है। वैसे यहाँ पे गंदी होती नहीं ज्यादा, पहले ऊपर खड़े करते थे तो ऊपर तो बहुत जल्दी गंदी हो जाते थे। चले भाई निकले अब। देखो भाई क्या खाली रोड है, एकदम बढ़िया रोड नेटवर्क अपना, एकदम ग्रीनरी पूरी, सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर मिलती है। यही चीज मिस थी वहां पर दिल्ली में, ये सब चीजें बहुत कम है उधर। यहाँ पर देखो एकदम खाली रोड पूरी पड़ी हुई है ना, बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं भाई हाईवे पे, फिर निकलते हैं दिल्ली वापस। और मैंने एक चीज सोची है आज गौरव भाई के साथ प्रैंक करने की, फिर से
मतलब आज मैं जब वहाँ पे पहुँच जाऊंगा तो मैं उसको मिलने के लिए बुलाऊंगा कि भाई आजा, मैं वेट कर रहा हूँ उधर। उसके बाद हम करेंगे इग्नोरिंग प्रैंक, मतलब वो बोलता रहेगा, मैं उसके बाद रिप्लाई नहीं करूंगा कुछ, मैं एकदम शांत रहूंगा अपने खुद, जैसे मैं अकेला हूँ, वो है ही नहीं यहाँ पे। फिर देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, बाद में अगर फिर से पागल हो गया तो फिर से कुछ देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तब तक के लिए लेट्स गेट टू द प्रैंक, फिर देखते हैं आज कैसा रिएक्ट करता है वो। वैसे सोच तो मैंने बहुत कुछ लिया कि ऐसे ऐसे करूंगा, प्लान तो मैंने कर लिया है, अब देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा होता है, एग्जीक्यूशन देखना बाकी है। और बढ़िया, अपना हम निकल चुके हैं, हम रास्ते में हैं। ये भाई तो भाई ये पहुंच चुके हैं अपना नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे सॉरी। हाँ, इसके बाद फिर DND पे चढ़ जाएंगे आगे से जाके। अभी हमारा नोएडा एक्सप्रेसवे चल रहा है, अभी बढ़िया बन गया, पहले ये वाली रोड भी टूटी हुई थी, अब ये वाली रोड भी थोड़ी कंस्ट्रक्ट हो गई है, बढ़िया लेवलिंग हो गई है यहाँ पे। अभी भी आगे काम चल रहा है, देखो थोड़े बहुत काम अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत हो गया यार, अभी निकल रहे हैं बढ़िया अपना। अब मैं आपको पहुंच दिल्ली जाकर दिखाता हूँ। सीधे गर्ल ड्राइविंग से, लड़की गर्ल ड्राइविंग से डर लगता है, देखो ये जा रही है ना साइड में से, वो देखना निकलेगी वेन्यू। ये देखो हाईवे पे चल रहे हैं उधर, और भाई साहब मैडम जी आई हैं, यूं लेके ऐसे कट मारती हुई सामने से, ब्रेक लग गई वरना आज तो ठुकी जाती। फिर ऐसे एक बार पहले भी हुआ था, राइट के इंडिकेटर देखे लेफ्ट मोड़ ली गाड़ी, मैं ओवरटेक कर रहा साइड में, फिर साइड में लगते लगते बच गई। फिर लेडी ड्राइवर से डर लगता है अब तो, मेरे को सही बता रहा हूँ, रोड पे ऐसे चलते हैं ना, और ऐसे भगाते हुए लेके जा रही है, अभी भी चलानी आती नहीं है। सो गाइस, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ कंटीन्यूअस रेसिंग वी आर फाइनली हियर। और भाई मैंने गौरव को फोन तो कर दिया, लोमरोर भाई को अपने, कि मैं पहुंच गया हूं, तो आ जा, अब देखते हैं वो आएगा, फिर करते हैं अपना प्रैंक शुरू। और मैंने उसको ये बोल रखा है कि मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ, जो कि मैं कर ही रहा हूँ वैसे भी, ब्लॉग कर रहा हूँ, और तो उसको पता नहीं चलेगा कि प्रैंक हो रहा है, उसको लगेगा व्लॉग व्लॉग में चल रहा है सब कुछ। और देखना आज फिर से उसको चढ़ा देंगे पूरी तरह से, वी विल डिस्ट्रॉय हिम। वेट करते हैं भाई, और जैसा कि हर बार की तरह आई एम गोना वियर माई मास्क अगेन, ताकि हंसी ना आए। अब देखते हैं कब तक आएगा वो। देख रहे हो भाई, पिछले प्रैंक से कुछ सीखा नहीं है इसने, अब भी वेट करवा रहा है, इतनी देर हो गई। पिछली बार इसी बात पे लड़ाई हुई थी जो हुआ था, मेरे को बस एक चीज पसंद नहीं है, किसी का वेट करना, बहस किया मुझसे, किसी का वेट नहीं किया जाता कहीं पे भी, खड़े हो गए बोर हो जाते हैं खड़े खड़े, पता नहीं अब कब तक आएगा। ऑल द मैं सब कुछ सोच रखा है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, बस एग्जीक्यूशन सही हो जाए फिर तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले आए तो सही साला। चलो गाइस, अब कम से कम प्रैंक रियलिस्टिक तो लगेगा, इसने मुझे आधे घंटे खड़ा करवा लिया यहाँ पे, आधा घंटा हो गया मुझे, अब कम से कम लगेगा तो सही कि सही में मैं गुस्सा हूँ, अब थोड़ा रियल बन जाएगा, वी विल एंजॉय। एक सवाल था मेरा, क्या हुआ? तो भाई अब जा रहे हैं 24/7 सबसे पहले, तो क्या हो गया 24/7 से कुछ लेते हैं खाने पीने का, नाश्ता पानी
फिर उसके बाद चलते हैं। क्या हो गया बता तो सही, आएगा ये आज भी प्रैंक चल रहा है कोई? साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। बहुत दिनों बाद आया हूँ द्वारका, दो साल दो तीन साल हो गए होंगे आए हुए। थोड़ा सामान भी सारा मिल जाएगा खाने पीने का। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं बिना नहाए आ जाते हैं। किसको बोल रहा भाई? मैंने ना क्या आया हूँ तो बात नहीं ले यार, हो गई ग्रीन लाइट। ट्रैफिक नहीं है रोड्स पे, आते हुए भी नहीं था और यहाँ पे भी कमी है। दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिला, एम्स पे मेरी मेन बात तो ये है, वरना एम्स पे तो हमेशा ट्रैफिक रहता है 24/7, मतलब रात को तो नहीं 14x7। चलो भाई कुछ लेके आता हूँ मैं, आ जाओ चलते हैं बाहर। मेरे को पता ही नहीं चला कब आ गया, अभी देखते हैं बनाते हैं कुछ प्रोग्राम। क्या क्या ले भाई, चिप्स तो इधर है यार, डार्क ग्रीन वाला तो है नहीं, डार्क ग्रीन वाला अच्छा लगता है। पीने के लिए भी कुछ जूस वूस ही पीने यार, कौन सा ले रहे? कोक में तो गैस होती है, वो हार्म करती है, एसिड होता है, समझ नहीं आ रहा लिया क्या जाए। तो चिप्स ही देखते हैं कोई। मन कर रहा तो भाई मैंने तो ले लिया है अपना, बढ़िया गाड़ी में बैठ के खाएंगे। और उसने अंदर वीडियो बनाने को मना कर दिया कि वीडियो मत बनाओ अंदर, पता नहीं 24/7 में ऐसा क्या हीरो मोती रखे हुए जो 24/7 वीडियो नहीं बना सकते। अभी मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर आगे बातचीत करता हूँ।